फार्मूला बताया था बेटा हमने रेजिस्टिव किया और टेम्परेचर के बीच रिलेशन। ओके देखिए क्या बेटा रो इज इक्वल टू रो नॉट, क्या बेटा रो इज इक्वल टू रो नॉट इनटू 1 प्लस क्या लिखना चाहिए अल्फा थीटा, ये किसके लिए बेटा ये फॉर कंडक्टर, इट इज फॉर कंडक्टर, ऑलरेडी देखिए आपके नोटबुक में देख लीजिए ये। ओके ऑलरेडी पढ़ा दिया था हमने वेयर अल्फा इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कम ऑन अल्फा इक्वल टू क्या बेटा ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ओके ठीक है बेटा अल्फा पॉजिटिव लेना चाहिए कंडक्टर, अल्फा नेगेटिव लेना चाहिए सेमीकंडक्टर, समझा गया। अरे बेटा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है तो अल्फा वैल्यू पॉजिटिव, टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस क्या होना चाहिए अल्फा वैल्यू नेगेटिव, याद रखो अल्फा पॉजिटिव मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर रेजिस्टिविटी, अल्फा नेगेटिव मीन्स टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव। तो बेटा दो ग्राफ इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, देखिए हाँ इट इज एक्स एक्सिस और बेटा ये वाई एक्सिस मैं ले रहा हूँ, ठीक है एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी टेम्परेचर, वाई एक्सिस रेजिस्टिविटी। तो बेटा यहाँ क्या होना चाहिए कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए क्या होना चाहिए हाँ बोसॉन इंक्रीज, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर पर्टिकुलर वैल्यू है कंडक्टर ये टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ये बेटा फॉर फॉर सेमीकंडक्टर ऐसे प्लॉट किए क्या मुझे आप याद आ रहा अल्फा क्या अल्फा वैल्यू नेगेटिव। ओके क्लियर नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस, फ्रैक्शनल चेंज इन इन रेजिस्टेंस व्हेन व्हेन लेंथ एल, लेंथ एल लिख रहा हूं लेंथ एल लिख रहा हूं अब एरिया एंड एंड radius changes less than or equal to 5% ज्यादा रहा है नहीं ज्यादा रहा नहीं less than or equal to 5% है तो एक फार्मूला अप्लाई करना चाहिए 5% से ज्यादा है तो और एक कांसेप्ट और 100% से ज्यादा है तो और एक कांसेप्ट, देखो तीन टाइप के क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने आपको ज्यादा रहा। ओके ब्लाइंडली सॉल्व मत करो बेटा 5% क्वेश्चन में दिया कि 5% से कम वैल्यू है तो एक फार्मूला अप्लाई करना चाहिए 5% से ज्यादा है तो और एक आंसर 100% से ज्यादा 100% मींस डबल ट्रिपल फोर टाइम्स इनक्रीज दैट इज कॉल्ड एन टाइम्स, ठीक है। तो क्या बेटा फार्मूला से बता दो फर्स्ट ऑफ लेंथ इंक्रीज हो रहा है या फर्स्ट फार्मूला डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू क्या बेटा 2 * डेल्टा एल अपॉन एल डायरेक्ट मैं सब डेरिवेशन पढ़ाया था एक बार नोटबुक चेक कीजिए सब डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया था बेटा। ओके यस रिमाइंड कर रहा हूँ फॉर्मूले याद रखिए इसका डेरिवेशन भी पढ़ाया था मैंने सब डेरिवेशन भी पढ़ाया था प्रूफ भी पढ़ाए थे अपन कहाँ से आया फार्मूला। ओके राइट एक बार चेक कर लीजिए हाँ और बेटा डेल्टा आर बाय आर इक्वल टू क्या लिखना बता दो हाँ माइनस टू डेल्टा ए बाई ए सर माइनस टाइम क्यों आया ये भी एक्सप्लेन किया था मैंने सर क्यों आया when length increases resistance increases positive when area of cross section increases resistance value decreases बराबर और रेडियस के लिए बेटा थर्ड फार्मूला डेल्टा आर एम ऑन आर इक्वल टू
क्या लिख दिया आपको, फोर टाइम्स माइनस फोर डेल्टा आर इक्वल हो गया बस। एक ही सेकंड, एक विदिन दी वन मिनट के पहले ही सॉल्व कर सकते आप। सपोज क्वेश्चन में दिया, समझिए इफ द लेंथ वायर, लेंथ ऑफ द वन कॉपर वायर इज मेड ओके, लेंथ ऑफ द कॉपर वायर इज मेड टू स्ट्रेच 0.2%, देन फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस, फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, आंसर बता दो, डायरेक्ट बता दो, लेंथ में कितना 0.2, ये लेस देन आर इक्वल टू 5% है कि नहीं, लेस देन 5%, तो बता दो आंसर क्या होना, डेल्टा आर बाय एल इज 0.2, आंसर इज डेल्टा आर आर 0.4, 0.3, 0.6, 0.8, 1.6%, अरे 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, हो गया आंसर, ज्यादा रीजन मतलब ठीक है, समझा कि नहीं। नेक्स्ट, व्हेन लेंथ एल ए एंड आर इंक्रीजेस एन टाइम्स, क्या होगा बेटा, एन टाइम्स जो फॉर्मूला फर्स्ट टू, अरे बेटा लेंथ इन एन टाइम्स इंक्रीज कर लो, सॉरी एन टाइम्स इंक्रीज करना, स्टार्टिंग 10 सेंटीमीटर वायर, आई एम मेकिंग इट 30 सेंटीमीटर, कितना 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, पहला 10 सेंटीमीटर भी 30 सेंटीमीटर कर दिया बेटा, 3 टाइम्स इंक्रीज किया, 20 सेंटीमीटर 2 टाइम्स, ऐसे एन टाइम्स इंक्रीज करने के बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होना चाहिए, बस बता दो पहला, ये भी प्रूफ पढ़ाया था मैंने, हाँ एन टाइम्स आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर व्हेन द लेंथ इंक्रीजेस, इफ एल डैश इज इक्वल टू एन इंटू एल, इफ एल डैश इज इक्वल टू एन इंटू एल, समझ लीजिए इफ लेंथ मैंने इंक्रीज किया थ्री टाइम्स जब रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, आर डैश इक्वल टू, अरे बताओ बेटा डायरेक्ट, अरे 3 स्क्वायर आर नथिंग बट 9 आर, सिंपल स्क्वायर कर दो और रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख दीजिए, समझा ना। सेकंड क्या बेटा, सेकंड आर डैश इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, आर अपॉन एन स्क्वायर, इफ ए डैश इज इक्वल टू एन इनटू ए, टोटल प्रूफ वगैरह नोटबुक में देख लो, सब प्रूफ पढ़ाया था मैं, जस्ट रिमाइंड कर रहा हूँ, फॉर्मूले रिमाइंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास, क्लियर, प्रूफ चाहिए तो नोटबुक में देख लो, ऑलरेडी आपके नोटबुक में, थर्ड क्या बेटा, थर्ड r = r / n² (4) इफ r = स्मॉल रेडियस, ये रेडियस n into r, r is the radius, r क्या बेटा यार, r = radius, ओके क्लियर। नेक्स्ट सिक्स्थ वन, कलर कोडेड रेजिस्टेंस, ये भी सिंपल क्वेश्चन था बेटा, मैंने पढ़ाया था आपको, बहुत सिंपल है, मुझे जस्ट वो स्टेटमेंट रिमाइंड करने दो, बाकी क्या आप लिख सकते हो, स्टेटमेंट क्या बेटा, स्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कलर कोड रेजिस्टेंस के लिए, अपने एक स्टेटमेंट क्रिएट किए थे शॉर्टकट के लिए, कैसे याद रखना चाहिए, कम ऑन, कलर कोडेड रेजिस्टेंस, रेजिस्टर याद आ रहा कि नहीं, भूलना नहीं, मैंने बताया था 2 साल तो भूलना नहीं, ओके क्या बेटा, यस बी बी रॉय इज ए ग्रेट बैट्समैन एंड वेरी गुड विकेट कीपर, समझ लीजिए, अरे एम एस धोनी का नाम याद रखो, एम एस धोनी, बी बी रॉय इज ए ग्रेट बैट्समैन एंड वेरी गुड विकेट कीपर, खाली मीनिंग के लिए मैंने ऐड कर दिया वर्ड, हाँ तो क्या बेटा, बी मीन्स ब्लैक कलर, ए ब्राउन, आर फटाफट रेड ऑरेंज येलो, और ये मीनिंग है, ये कलर की मैं जो देता हूँ, और ये क्या बेटा ग्रीन, ये
ब्लू वायलेट ग्रे व्हाइट। कोडिंग कोडिंग कैसे देना चाहिए? जीरो स्टार्ट कर दो, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ये सिक्स सिक्स, और ये वायलेट कलर सेवन, ग्रे एट, व्हाइट नाइन, बस ये कलर कोड रजिस्ट्रेशन। और न्यूमेरिकल में मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल एक्सप्लेन किया था बेटा ये कॉन्सेप्ट पर, कैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहिए बस। और सिंपल है, सिंपल है, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आया था ये। ओके, दो बार दो तीन बार एक बार देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन मैंने जो पढ़ाया था क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ठीक है? ओके नेक्स्ट, सेवन्थ वन इज, यहाँ बेटा मैं सेल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, सेल का जो फार्मूला वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए वो इम्पोर्टेंट है सेल के लिए। सपोज एक सेल है ईएमएफ ई वन, इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन, ऐसे कनेक्ट किए समझ लीजिए, इट इज ई टू, इसके लिए भी फार्मूला मैंने एक्सप्लेन किया था, याद आ रहा है कि नहीं है ना? जो डेली अपडेट है उनको याद रहता है। और हाँ ओके, सो ई वन आर वन, ई टू आर टू, ये कहना चाहिए बेटा, इसलिए मैंने इक्वलेंट पढ़ाया था, मैं इक्वलेंट ईएमएफ के लिए इक्वेशन, कम ऑन ई इक्वलेंट के लिए इक्वेशन बता दो क्या पढ़ाए थे, राइट? ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन क्या बेटा, ई टू अपॉन आर टू डिवाइडेड बाय वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, ज्यादा रख नहीं, इक्विवेलेंट के लिए कॉन्सेप्ट, इस पर न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। ओके, और दिस इज नथिंग बट ई इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखे थे बेटा, ई वन आर टू ए टू आर वन डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू, बाकी के आर वन बाय आर टू, आर वन बाय आर टू, दैट विल बी कैंसल आउट, ये आर ए इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट पैरेलल कनेक्शन आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये दो कॉन्सेप्ट याद रखिए। अच्छा मैंने एन कनेक्ट कर दिया, एन तो एन कनेक्ट किया तो फिर कॉन्सेप्ट, एन कनेक्ट किया तो यस क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ई वन बाय आर वन, देखिए एन टाइम्स मैंने कनेक्ट किया तो क्या होना चाहिए फॉर्मूला, ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू प्लस ई थ्री बाय आर थ्री प्लस देख लो, रिवाइज कीजिए, ये सब पढ़ाया था बेटा, मैं सब फार्मूलेस पढ़ाया था बेसिक में, टोटल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था ये 12th सिलेबस स्टार्ट होने के पहले। ओके राइट, एक बार रिमाइंड कीजिए और देख लीजिए और एक बार प्रैक्टिस कीजिए बेटा। ओके राइट।